तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह हम अपने टास्क बार को लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं। तो सर्च बार में कंट्रोल पैनल टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, हमारे पास कंट्रोल पैनल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पर हम सिस्टम के बटन पर अप्लाई करेंगे, यानी कि सिस्टम के बटन पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। बेसिकली ये डायलॉग बॉक्स सिस्टम अबाउट का है। तो यहाँ पर अगर हम लेफ़्ट साइड पर देखें तो हमारे पास चंद जो बटन है, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे पर्सनलाइजेशन के ऊपर। तो पर्सनलाइजेशन के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इंटरफेस होगा। यहाँ पर हम टास्क बार पर क्लिक कर देंगे तो इसका जो इंटरफेस है हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे टास्क बार बिहेवियर, यानी कि टास्क बार बिहेवियर के ऊपर। जैसे ही हम मोर के बटन पर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमारे पास चंद ऑप्शंस हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास, आप देख सकते हैं कि सेंटर में है टास्क बार। तो जैसे ही सेंटर से हम लेफ़्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी जो टास्क बार है वो मूव करना शुरू कर देगी और ये लेफ़्ट साइड पर मूव हो जाएगी। तो इस तरह आप इसको लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड है इसको लेफ़्ट राइट करने का। तो आप इस तरह इसको कर सकते हैं लेफ़्ट अलाइन।